यहाँ पे जब गांव के हम लोग घास पात गाने आते थे तो यहाँ पे पानी की आवाज आती थी अंदर से, गुड़गुड़ाहट पानी की, गुड़गुड़ गुड़गुड़ पानी की आवाज आती थी। तो गांव में प्रधान नहीं होता, उसके पार पानी की योजना आ रही थी, तो हम लोग सभी लोग यहाँ पे आए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूजा अर्चना की, हमारा इष्ट देवता यहाँ पे नाग देवता, जैसे उसकी यहाँ पे पूजा अर्चना की तो बगल से पानी तुरंत आ गया। तो तभी से इसका डेवलपमेंट हुआ 23 जून 1998 से, और धीरे धीरे अखबार में भी और प्रत्येक ड्राइवर को यहाँ पे पता लगा कि तभी से यहाँ पे प्रकटेश्वर पंचानन महादेव शिव गुफा नगल महर गांव सड़क से दूरी 150 मीटर में यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है। तो यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं अंदर, फर्स्ट में यहाँ पे पंचमुखी शिवलिंग है, और उसके बाद उसमें 5 लिंग है छोटे छोटे, और उसके बाद जो नंबर दूसरा है वहाँ पे गुप्त केदार गंगा है जो जमीन से निकल रही है, और उसके बाद नंबर तीसरे में बजरंगबली हनुमान है, और उसके बाद नंबर चौथे में गरुड़ भगवान है, और उसका लाल मुआ है, पंख टाइप के हैं उसमें, पर एक गरुड़ भगवान जी है। नंबर 6 में यहाँ पे माँ शिव और पार्वती, गणेश शिव और पार्वती उंगली की जैसी जोड़ है, ऐसे शिव पार्वती के अर्धनारेश्वर। और नंबर 7 में यहाँ पे बजरंगबली और गरुड़ भगवान है, हाँ गरुड़ भगवान। नंबर 7 में यहाँ पे गंगा जी की मगरमच्छ क्रोकोडाइल्स, उसके ऊपर खुद गंगा मैया विराजमान है। और नंबर 8 में यहाँ पे शेर का पंजा, और उसके बाद इधर आगे, और नंबर 9 में है यहाँ पे गणेश भगवान, दो कान है सूट है, और उसके बाद क्या है चूहा। और नंबर के अंत में जो यहाँ पे भोलेनाथ की त्रिशूल है, उसके बाद जटा है, बागम्बर है, और पूरे कैलाश पर्वत विराजमान है, और इसके बाद नंबर लास्ट में माँ दुर्गा विराजमान है, उसके ऊपर पूरे कमल के छत्र विराजमान है। तो एक बार जोश बोलो प्रकटेश्वर पंचानन महादेव की जय। और उसमें पूरे शिवलिंग में ओम ओम के उबार, पूरे नेचुरल पूरे शिवलिंग में ओम ओम के उबार विराजमान है, पूरे चारों तरफ शिवलिंग के चारों तरफ पानी आता बराबर है, चारों तरफ पानी आता है। और उसके बाद एक बार जोश बोलो प्रकटेश्वर पंचानन महादेव की जय।